अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। भाईजान लोग, जैसा कि हमने बताया था कि हम इन लोगों को टीचिंग करेंगे, तो आज ये नए लड़के हैं तो इनको मैं टीच करने जा रहा हूँ। ये लोग बिल्कुल नए हैं तो इनको मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे स्कैफोल्डिंग बनाई जाती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये पोस्ट लगाएं, पोस्ट लगा के, हाँ भैया आप इधर से सपोर्ट करें, इधर ये पोस्ट लगाएं, आप साइड करें, ये पहले ये साइड करें, ये बोर्ड इधर लगाएं, चार पीस रखें इधर पहले से, ठीक है बाद में कर देना, वो ऊपर करो, आपका डाउन, आपका हो जाएगा डाउन या वो ऊपर, लेवल करने का ले लेते, हाँ। तो जब भी आप लोगों ने ये बनाना है ना, तो ये पूरा पहले से जैक को जो है ना अपना एक लेवल में करने का, उसके बाद पहले डालो, पहले उसमें इंस्टॉल करो, पहले इसमें इंस्टॉल करो, पहले डालो, बाद में सही कर सकते हैं। क्लोज नहीं करो, वो दूसरा भी डालो, ठीक हो गया, वो डालो टाइम नहीं है, बंद करेगा, बोर्ड थोड़ा इधर करने का, बोर्ड जो है ना नीचे से बोर्ड वुड वो थोड़ा इधर करने का, इसको सही करने का, ये जो नीचे वाला बेस प्लेट है ना इसको पूरा उस तरह करने का, बस ठीक है। अब इसको लेवल करने का है, इसमें एक और राउंड लगाने का, ये समझ आ गया कैसे लगाना है। जब भी ऐसा मट्टी होगा तो आप लोगों ने ये वुड लगाना है, ठीक है, मट्टी नहीं है, रोड है, वो जो रोड होता है एस्फाल्ट उसमें भी ये लगाना है, कंक्रीट है ना, कंक्रीट में ये बोर्ड नहीं लगाना है, बाकी ये जैक या बेस प्लेट लगाना है। अभी पहला लिफ्ट लगा लो, इसमें पहला लिफ्ट इसमें लगाने, इधर ले लो, वो ले लो ना, चार पीस ले आओ जल्दी से स्टॉप। तो अभी ये जो है ना, इसी तरह आप लोगों ने इसको कंटिन्यू रखना है, ये टावर्स का फोल्डिंग इसको बोलते हैं, सही है, टावर्स का फोल्डिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये चार पोस्ट का है, चार पोस्ट का जो भी इसका फोल्डिंग होगा वो टावर्स का फोल्डिंग है। ये जो आपका टिकर लिफ्ट है ना नीचे से जमीन से, ये चेंज होना चाहिए, चेंज सही है ना, बस छोड़ अभी कोई नहीं, चेंज होना चाहिए। ये वाला जो आपका फर्स्ट लिफ्ट है ना, ये 1.8 यानी कि जो बंदा आगे पीछे अगर उधर जा रहा हूँ ना तो जा सकता हूँ, सही है ना, इतना होना चाहिए काम की जगह पे, या लैंडिंग कोई आने जाने काम की जगह, आने जाने की जगह पे ये 1.2 मीटर होना चाहिए, यानी कि इधर होना चाहिए, ठीक है, ताकि बंदा आराम से इसके अंदर से जा सके, सही है ना। तो बाकी जो है ना फिर और भी बताऊंगा, तो ये तो समझ आ गई ना, आपको आ गई समझ कैसे करना है, इसको टाइट करना है, इसको लेवल करना है चारों तरफ से। अभी वो ट्रांजम देखो, वो ट्रांजम का साइज एक है या नहीं, वो ले लो, ये ले लो,
बस बंद। जो है आप लोगों को ये चीज बता दिया हूँ, इसको इसको इसी तरह करने का है, सही है? कल कल फिर और बताऊंगा इसके बाद, सही है? ओके ओके, अल्लाह हाफिज़।